हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग लेंस मेकर का सूत्र। क्या डेरिवेट करेंगे डियर? हम लोग लेंस मेकर का सूत्र डेरिवेट करेंगे। अच्छा जी, जो लेंस मेकर का सूत्र होता है डियर, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में इस डेरिवेशन को आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। क्लियर है डियर? तो इस केस में जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है डियर? उत्तल लेंस, जो हवा में रखा गया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस हवा का अपवर्तनांक मान लेते हैं N1, और जबकि ये जो हमारे पास क्या है डियर, लेंस है, इस लेंस का अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं N2। पुनः हवा का हमारे पास अपवर्तनांक क्या होगा, N1 होगा। क्लियर हो गया? हमने क्या माना डियर, ये हवा का अपवर्तनांक N1 मान लिया, जबकि इस लेंस का जो अपवर्तनांक है, इस लेंस का जो अपवर्तनांक है हमने क्या मान लिया, N2 मान लिया। पुनः हवा का अपवर्तनांक हम लोग क्या ले लेंगे, N1 लेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में इस लेंस में हम क्या करते हैं, दो सरफेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक हमारे पास ये हो जाएगा ए, और इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे लेते हैं, डी ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो चूंकि जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या डियर? ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट बीम जाएगा डियर, इस बिरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। बिरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। तो कॉमन सेंस की बात है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो इस केस में डियर, ये ऑब्जेक्ट ओ है, और ये ऑब्जेक्ट ओ से माना ये लाइट बीम ऐसे जा रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, और चूंकि हम जानते क्या हैं, जब कोई लाइट बीम बिरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जबकि सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है डियर, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ से लाइट बीम जाएगा, और ये था विरल माध्यम, और चूंकि लेंस हमारे पास कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। तो इस केस में हमें इस पृष्ठ के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये जो हमारे पास अपवर्तित किरण है डियर, ये लेंस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, उस पॉइंट को इस सरफेस ए बी सी पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इस केस में चूंकि हम जानते हैं, अगर इस गोलक को अगर हम कंप्लीट करें, तो इस गोलक का हमारे पास क्या होगा, एक कर्वेचर अप सेंटर होगा, और उस कर्वेचर अप सेंटर को हमने मान लिया C2। क्या मान लिया डियर, C2 माना है। इज दैट क्लियर? तो इस C2 पॉइंट को हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा डियर, अभिलंब। तो इस फेस के लिए हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल। यन फर क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब होता है। तो चूंकि ये हमारे पास क्या हो गया, अभिलंब हो गया, तो हमने यहाँ पर अभिलंब क्या किया, ऐसे ड्रा कर लिया। क्लियर है? तो जब यहाँ से लाइट बीम पास होगा डियर, तो ये हमारे पास अभिलंब हो गया। तो चूंकि इस केस में ये झुकती हुई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लाइट बीम होगा अभिलंब की ओर झुकती हुई क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? और इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कहाँ बन जाएगा, हमारे पास आई डैश पर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने बताया क्या डियर, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तो हमने इस आपतित किरण के लिए हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जिससे अपवर्तित किरण क्या हुई है, अभिलंब की ओर झुकती हुई ऐसे निकल गई है, और इसका इमेज कहाँ बना, आई डैश पर बना है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, पुनः दूसरे केस में हमारे पास डियर, हम चूंकि जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित होती है, और ये जो घटना होता है डियर, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन की दो शर्त हैं, दो बिंदु हैं। पहला क्या है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो, और दूसरा क्या है, सघन से क्या जाती हो, विरल माध्यम में। और चूंकि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जबकि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इस केस में हम जान चुके ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कहाँ बन गया डियर, आई डैश पर। कहाँ बन गया, आई डैश पर बन गया। अच्छा जी, पुनः इस सरफेस के लिए जो आई डैश है, क्या है डियर, आई डैश किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो इस केस में हमें एक और परपेंडिकुलर की आवश्यकता पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को,
इस पॉइंट को जहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ज्वाइंट कर देंगे इस गोलक के कर्वेचर ऑफ सेंटर से, यानी हम क्या करेंगे वक्रता केंद्र से ज्वाइन कर देंगे। तो इस फेस के लिए हमारे पास क्या होगा, डियर परपेंडिकुलर हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो लाइट बीम है, जो ये हमारे पास लाइट बीम है, ये अभिलंब से दूर हटती हुई इस आई डैश यानी प्रतिबिंब के लिए, यानी ये दूसरे शर्त में हमारे पास वस्तु का काम करेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा डियर वो कहाँ बन जाएगा, आई पर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई लाइट बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है डियर, दूर हटती है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटते हुए इस आई डैश के लिए इमेज कहाँ फॉर्मेट करेगी, आई पर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चूंकि इस केस में जानते हैं डियर कि जब कोई लाइट बीम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से कहाँ जाती है, सघन माध्यम, इट मीन्स रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो उस केस में क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो अपवर्तनांक का सूत्र बनता डी है वो होता है एन टू अपन क्या होता है भी, और माइनस एन वन अपन क्या होता है यू, इज इक्वल टू क्या होता है एन टू माइनस एन वन पूरे का अपन क्या हो जाएगा आर। इज दैट क्लियर, ये हमारे पास हो गया विरल से कहाँ हो गया, सघन माध्यम में। और जबकि इसी के अपोजिट हमारे पास जब कोई लाइट बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, सघन माध्यम से कहाँ जाती हो, विरल माध्यम में, तो इस केस में जो हमारे पास अपवर्तनांक का जो सूत्र बनता है डियर वो होता है एन वन अपान यू, एन वन अपान भी, सॉरी फॉर दैट, एन वन अपान भी माइनस एन टू अपान क्या होता है यू, इज इक्व टू एन वन माइनस एन टू और पूरे का अपान क्या होता है आर। चूंकि एन वन को एन टू लिख सकते हैं और एन टू को एन वन लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अगर ये डेरिवेशन आप लोग नहीं समझते हैं डियर तो इस डेरिवेशन का लिंक आई बटन में दे दिया जा रहा है, जिससे आप लोग इस डेरिवेशन को भी अच्छे से रीडन राइट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं डियर, हम कुछ की पॉइंट्स बताते हैं आप लोगों को, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को आगे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट होगा डियर, उस की पॉइंट को आप लोग को ध्यान से समझना है। तो की पॉइंट हमारे पास हो गया डियर सरफेस एबीसी, जो हमारे पास सरफेस एबीसी है, क्या है डियर, एबीसी है। अच्छा जी, तो सरफेस एबीसी के लिए जो की पॉइंट होगा डियर, हमारे पास जो बिंब होगा, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो जो बिंब होगा डियर वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके और कहाँ तक होगा, ओ तक, यानी हमारे पास जो, तो इस केस में क्या करते हैं, इस पॉइंट को ओ के बजाय हम रख लेते हैं पी, क्या रख लेते हैं डीए पी। तो यानी फर्स्ट केस के लिए सतह एबीसी के लिए जो हमारे पास सतह एबीसी, सतह एबीसी दिख रहा डीए, इसके लिए बिंब हमारे पास क्या होगा पी ओ होगा, पी से ओ तक का जो डिस्टेंस होगा डीए वो क्या होगा हमारे पास बिंब का होगा। और इस पी ओ के लिए जो इमेज का फॉर्मेशन डी है उसे लेके कहाँ तक है, आई डैश तक है, तो जो हमारे पास प्रतिबिंब है क्या डी है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो गया, ओ से आई डैश हो गया, इज दैट क्लियर। और जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता क्या होगा डी है त्रिज्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को ले लेते हैं हम लोग डियर कहाँ से कहाँ तक, वक्रता त्रिज्या हमारे पास हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा डियर ओ से क्या जाएगा सी वन तक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी से और ओ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास बिंब का होगा, यानी वस्तु का होगा, दूरी हो जाएगा लेंस से वस्तु का। अच्छा जी, और चूंकि ओ से हमारे पास जो आई का डिस्टेंस होगा डियर, ये हमारे पास ओ पी यानी पी ओ का जो है इमेज बन जाएगा ओ से आई डैश पर, और इस केस में वक्रता त्रिज्या को हमने क्या लिया डियर ओ सी वन, ओ से और हमने कहाँ तक लिया है सी वन तक लिया है, इज दैट क्लियर।
अच्छा जी, सिमिलरली इसी प्रकार लिखना चाह रही है, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सिमिलरली सेकंड फेज के लिए, सेकंड फेज हमारे पास क्या कर दिया, ए डी सी, तो चूंकि हमारे पास पॉइंट पी के लिए इमेज कहाँ बना, आई डैश पर, और पुनः जो ये आई डैश है डियर, इस सेकंड ए डी सी सरफेस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। इसका मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, सरफेस सरफेस ए डी सी के लिए, सरफेस ए डी सी के लिए हमारे पास जो बिंब होगा क्या होगा डियर, बिंब होगा, तो बिंब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, ओ से आई डैश, इज दैट क्लियर। और इस केस में जो इसका इमेज बना है, इसका क्या बना है, इमेज जो बना है ये आई पर बना, कहाँ डियर बना है, आई पर, तो हमारे पास जो इमेज का दूरी होगा वो ओ से कहाँ तक होगा, आई आई तक होगा, कहाँ तक होगा डियर, आई तक। तो प्रतिबिंब लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जो लिखना चाहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो लिखना चाहेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास क्या होगा, ओ से आई तक होगा। और इस केस में हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा डियर, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, वक्रता त्रिज्या इस फेस के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन किया है, सी टू से ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पास ये होगा, इसके लिए आर होगा। तो इस केस में हम लोग लिखना चाहेंगे इसकी वक्रता त्रिज्या, तो ओ सी कहाँ तक हो जाएगा, सी टू तक हो जाएगा, ओ सी टू, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट का हम लोग यूज करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट के लिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और इस केस में इधर की दूरी सब क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर की दूरी सब क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर है आप लोगों को, तो इस केस में हम क्या करेंगे डियर, मान पुट करेंगे। तो मान कैसे पुट कर सकते हैं उसके लिए ध्यान से देखिएगा। तो केस नंबर फर्स्ट के लिए, जब प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में, तो इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा n2 अपान भी, और भी हमारे पास ओ से लेके कहाँ तक है, आई डैश तक है, तो इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा ओ आई डैश। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। माइनस ये हो जाएगा n1, और u हमारे पास ओ से कहाँ तक होगा, पॉइंट पी तक होगा, और पॉइंट पी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस केस में हमारे पास लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डी ओ पी, और ओ पी किसका होगा, माइनस का होगा। अच्छा जी, तो आगे प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया डी, n2 माइनस n1 पूरे का बटा आर दिया है, और चूंकि हमारे पास इस फेस के लिए हमारे पास हमने ओ सी वन वक्रता तो त्रिज्या होगा, उसको हम क्या लेंगे डियर, ओ से लेके कहाँ तक लेंगे, सी वन तक लेंगे, तो आर को हम लिख सकते हैं डियर ओ सी वन, और चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो हमारे पास हो जाएगा n2 अपान क्या जाएगा ओ आई डैश, माइनस माइनस क्या जाएगा डियर, ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो ये जाएगा n2 अपान ओ आई डैश, और प्लस हो जाएगा n1 अपान हो जाएगा ओ पी, इज इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास n2 माइनस n1 पूरे का अपान क्या हो जाएगा ओ सी वन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, सेकंड केस में डियर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस को डिस्क्राइब करेंगे, तो कुछ ऐसे ही लुक लाइक हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा n1 अपान भी, n1 अपान क्या है भी, तो सेकंड केस में हमने देखा कि ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और ये हमारे पास इमेज का काम कर रहा है, इज दैट क्लियर। तो इस केस में जो हमारे पास भी का मान होगा डियर, वो ओ से कहाँ तक होगा, ओ से होगा आई तक होगा, तो इस केस में लिख सकते हैं हम लोग n1 अपान लिख सकते हैं ओ आई, n1 अपान क्या लिख सकते हैं डियर ओ आई, और माइनस n2 अपान यू, तो n2 अपान यू के केस में हम जानते हैं कि ये हमारे पास आई डैश से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस होगा, दूसरे केस में वस्तु का काम करेगा, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारे पास ओ आई डैश, क्या हो जाएगा ओ आई डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 पूरे का बट्टा क्या होगा r, और इस केस में हमने सेकंड केस में अपवर्तन के लिए हमने
जो वक्रता त्रिज्या लिया डियर, वक्रता त्रिज्या हमारे पास कहाँ से कहाँ तक गया है, वक्रता त्रिज्या गया डियर सी टू से ओ तक। तो इस केस में हम लोग ले सकते हैं इसको ओ सी टू, क्या लिख सकते हैं डियर, ओ सी टू। तो ये हो जाएगा एन वन माइनस एन टू पूरे का पान ओ सी टू, और ओ सी टू किस डायरेक्शन में डियर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। और इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इस प्रकार से डेरिवेशन आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, लिख सकते हैं डियर समीकरण एक धन दो, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर तो क्या कर देंगे हम लोग, एल एच एस को एल एच एस से जोड़ देंगे और आर एच एस को आर एच एस से जोड़ देंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा एन टू अपान ओ आई डैश, और प्लस क्या हो जाएगा एन वन अपान क्या हो जाएगा ओ पी, और प्लस जोड़ेंगे इसका एल एच एस जोड़ेंगे, तो डी और ये हो जाएगा हमारे पास एन वन अपान ओ आई डैश माइनस एन टू अपान क्या हो जाएगा ओ आई डैश। इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू, आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन टू माइनस एन वन पूरे का बटा क्या हो जाएगा ओ सी वन, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एन वन माइनस एन टू और पूरे का अपान क्या हो जाएगा माइनस का ओ सी टू। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग कवर कर पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो इस केसेस में हम देखेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे डियर, तो एन टू अपान ओ आई डैश से एन टू अपान ओ आई डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, सेट क्लियर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आगे लिखना चाहेंगे डियर, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, एन वन अपान ओ पी और प्लस एन वन अपान ओ आई, सेट क्लियर। नेक्स्ट आगे इक्वल का साइन लगाएंगे हम लोग, और इसको लिख सकते हैं एन टू माइनस एन वन आप पूरे का अपान लिख सकते हैं डियर ओ सी वन, सेट क्लियर। और यहाँ क्या करते हैं डियर, अगर इस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अच्छा जी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं माइनस को, तो क्यों माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है एन टू माइनस एन वन, तो इस केस में हम यहाँ पर एन टू को माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो जो माइनस हमारे पास वो किसका आ जाएगा, प्लस का, जबकि जो प्लस है वो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हम माइनस कॉमन कर लेंगे डियर, तो ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन और पूरे का पर क्या हो जाएगा हमारे पास ओ सी टू। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा, और इस केस में ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, तो इस केस में हम आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे डियर, तो लिख सकते हैं एन वन अपान ओ पी, क्या लिख सकते हैं डियर ओ पी, और ओ पी चूंकि हमारे पास ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की जो दूरी है डियर, इसे बोलते हैं हम लोग लेंस के प्रकाश से केंद्र और वस्तु की दूरी को हम लोग शो करते हैं किससे, यू से। तो इस केस में जो ये हमारे पास मान होगा ओ पी, तो ओ पी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का यू, इज दैट क्लियर। अच्छा, प्लस एन वन अपान ओ आई सी, क्या डियर ओ आई सी, तो इस केस में हमारे पास बना ओ आई सी, ओ से और आई तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, भी। और ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस केस में ओ आई को बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं भी, प्लस का भी, इज दैट क्लियर। और नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास एन टू माइनस एन वन को हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन अपान, ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा डियर, तो इस केस में वन अपान ओ सी वन, वन अपान ओ सी वन। तो फर्स्ट फेज के लिए हमारे पास ये ओ सी वन पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या डियर, आर वन, क्या ले सकते हैं, आर वन ले सकते हैं। तो इस केस में ओ सी वन तक का जो डिस्टेंस है इसे मान लिया हमने आर वन, और ओ सी टू तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया आर टू, यानी ये हमारे पास पहले फेज के लिए क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और आर टू हमारे पास क्या है, दूसरे फेज के लिए वक्रता त्रिज्या है। तो आर वन हमारे पास प्लस का होगा और आर टू हमारे पास किसका होगा, माइनस का होगा। तो इस केस में ओ सी वन को लिखना चाहिए, तो लिख सकते हैं आर, क्या लिख सकते हैं आर, और चूंकि ये तो हमारे पास प्लस होगा, और चूंकि हमारे पास जो ओ सी टू होगा डियर वो होगा माइनस का, तो इस केस में वन बाई आर वन लिख सकते हैं इसको, और प्लस माइनस का गुना करेंगे तो पुनः किसका साइन आएगा, माइनस का, वन बाई क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर,
कर लिए होंगे। तो इस केस में आगे अगर प्रोसीड करेंगे डियर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से एन वन को कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एन वन कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा वन अपान माइनस का यू और प्लस वन अपान क्या आ जाएगा भी इज इक्वस टू हो जाएगा एन टू माइनस एन वन और क्वेश्चन में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। इज दैट क्लियर? और इस केस में ये हमारे पास एन वन गुणा में है, किस में टूट जाएगा, इसके भाग में तोड़ सकते हैं हम लोग। तो इस केस में इसको सीधा करके लिखेंगे तो वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वस टू लिख सकते हैं डियर एन टू माइनस एन वन, अब पूरे का अपमान लिख सकते हैं हम लोग एन वन। इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई क्या हो जाएगा आर टू। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। तो इस केस में आगे प्रोसीड करेंगे डियर, और चूंकि हम जानते हैं डियर लेंस के लिए वन बाई अब बराबर क्या होता है वन बाई भी माइनस वन बाई क्या होता है यू, यानी इतने सिस्टम को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वन बाई अब और इज इक्वस टू, और इसे बना देंगे हम लोग शक्तिमान कॉन्सेप्ट कर देंगे डियर। तो यानी एन वन का भी बट्टा एन टू का भी बट्टा क्या आएगा एन वन आएगा और एन वन का भी बट्टा क्या आएगा एन वन आएगा। तो इस केस में लिख सकते हैं हम लोग एन टू अपान एन वन और माइनस एन वन अपान क्या लिख सकते हैं एन वन। इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो वन बाई आर वन और माइनस वन बाई क्या हो जाएगा आर टू। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास आर टू। इज दैट क्लियर? तो इस केस में आगे आर करके लिखना चाहते हो डियर लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वस टू क्या जाएगा एन टू वन लिख सकते हैं इसको, यानी दूसरे माध्यम को सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। और एन वन से एन वन स्प्लिट हो जाएगा कितना टाइम में वन टाइम में। तो इस केस में वन बाई हो जाएगा आर वन माइनस वन बाई क्या हो जाएगा आर टू। और इस केस में डियर ये जो हमारे पास सूत्र बन रहा है यही होता है लेंस मेकर का फार्मूला। इस प्रकार से लिखना चाहें डियर तो लिख सकते हैं वन बाई अब बराबर क्या हो जाएगा एन टू वन माइनस वन इन टू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आर करके अगर लिखना चाहें डियर तो एन टू वन को भी हम लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं। मान लेते हैं तृतीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक मान सकते हैं एन, तो इस केस में एन टू वन को लिख सकते हैं एन माइनस वन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस प्रकार से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा।